लंबोदराय नमः। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हैप्पी न्यू ईयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी तरफ से नौ वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज तो वैसे तो है 31st, ये 31st दिसंबर का ब्लॉग, लेकिन जब ये जाएगा ना तो 1st जनवरी के दिन रहेगा, तो इसलिए अभी से मेरी तरफ से इसी ब्लॉग में मैं आपको विश कर दे रही हूँ। तो एक बार फिर से अगेन हैप्पी न्यू ईयर। ये आने वाला साल हम सबके लिए बहुत ही शुभ हो, बहुत ही तरक्की वाला हो और हम सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि लाने वाला हो। तो शाम का टाइम है और मेरे सारे काम हो गए हैं, दियाबाती सब हो गया है, मैं चल रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम करने। आज मुझे बनाना है, कल 1st जनवरी है, तो आज मैं चल रही हूँ जल्दी से लड्डू गोपाल के लिए, अपने जल्दी से नया स्वेटर बनाऊँगी, दोनों लोग के लिए बनाऊँगी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कल न्यू ईयर है ना, मैं सोच रही हूँ न्यू ईयर पर अपने काना को नया पहनाऊँ। और मेरे जो बड़े वाले काना है उनका तो पहला नया साल है ये, तो उनको मेरी तरफ से गिफ्ट, वैसे हम उनको कौन होते हैं गिफ्ट देने वाले, लेकिन बस मेरी इच्छा है तो मैंने कहा जल्दी से चलो बना लेते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर मैं स्वेटर बना रही हूँ, ये है जंप सूट और ये जो रखा हुआ है ना, ये मैंने 2 दिन पहले बनाया था, तो थोड़ा सा ये टाइट है, हो गया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ। एक्चुअली बड़ा नहीं कर रही हूँ, नंबर में फंदे उतने ही डाली हूँ मैं इसमें, बस थोड़ा सा क्या है कि सिलाई मैंने चेंज कर दी, उसमें थोड़ी सी पतली सिलाई थी और सही में सिलाई चेंज करने से ही ना बहुत फ़र्क पड़ गया, उतने ही फंदे में सिर्फ सिलाई चेंज करने से ना बहुत अच्छी ड्रेस बन गई। और ये देखिए यहाँ पर मैं इसे बना रही हूँ, सेम ऐसी मैं छोटी भी बनाऊँगी। तो ये देखिए इधर चाय बन रही है, गुनी चाय बना रही है, और आ जाइए आप भी, ठंडियों में तो चाय चलती है काफ़ी काफ़ी, क्या वैसे भी मैं बहुत नहीं पीती हूँ, लेकिन कभी कभी एक चाय हो जाती है सिर्फ। तो यहाँ पर जो है ये देखिए मैं बना ले रही हूँ। मेरा ये स्वेटर बन गया है काना के लिए, ये काम मेरा बहुत ज़रूरी था और 31st की लास्ट जो है डे, मेरा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो है ना कंप्लीट हो गया है। होता है ना कि अगर आप जो काम सोच लीजिए अगर वो हो जाए तो बहुत खुशी होती है, और कान्हा का ये मतलब स्वेटर बना के मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है मैं आपसे बता नहीं सकती। तो अभी मैं चल रही हूँ किचन में, तो और रेसिपी आज आपके साथ पता है क्या मैं शेयर करने वाली हूँ, वैसे तो मैं बनाऊँगी आज आलू मटर की सब्ज़ी, आलू की कचौड़ी और पुलाव। तो रेसिपी मैं पूरा प्रॉपर आपके साथ पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी, बाकी कचौड़ी और सब्जी की तो रेसिपी नहीं शेयर करूँगी, उसको तो अक्सर मैं बनाती रहती हूँ। तो चलिए चलते किचन में, बनाते हैं सब्जी कचौड़ी और पुलाव की रेसिपी। तो सबको ऐसे इंजॉय करना चाहिए इस कामना के साथ, जो आने वाला साल है ना हमारे बीते साल से ज़्यादा ही अच्छा हो, ज़्यादा बेस्ट हो, बेटर हो और ज़्यादा सुख शांति समृद्धि लाने वाला हो, भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे इसी कामना के साथ। चलिए अब अभी चलते हैं किचन में, बना लेते हैं अपने पुलाव बनाऊँगी कि मैं मतलब पुलाव कैसे बनाती हूँ और पूरी कचौड़ी बनाऊँगी उसके बाद। सो गाइस, यहाँ पर मैंने ये देखिए एक मेज़रमेंट के लिए एक कटोरी ले ली है, इस कटोरी से यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कटोरी चावल, ये पुलाव वाले ही चावल हैं, वैसे आप नॉर्मल चावल का भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। तो यहाँ पर इसे पहले बहुत अच्छी तरीके से मैं लगभग 3 से 4 पानी धुल लूँगी, बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लूँगी, उसके बाद फिर यहाँ पर ये देखिए मैं यहाँ पर जो है इसे धुल चुकी हूँ और इसमें अब मैं पानी डाल दूँगी, इतना पानी डालूँगी कि चावल अच्छी तरीके से डूब जाए, और बस इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आधे घंटे बाद यहाँ पर मैंने जो है भगोना चढ़ा दिया है, ये चावल मैं भगोने में बनाऊँगी, और इसमें मैं जो तेल यूज़ कर रही हूँ ये रिफाइंड ऑयल है, सरसों का तेल नहीं यूज़ करते इसमें, और घी भी यूज़ कर सकते हैं बट ठंडी है ना इसलिए घी जम जाता है। तो यहाँ पर मैं जो है डाल दे रही हूँ इसमें काजू, और साथ ही साथ इसमें मैं कुछ खड़े मसाले हैं, इसमें है ज़ीरा है, काली मिर्च है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, दालचीनी है
और लौंग है और 2 साबुत सूखे हुए लाल मिर्च हैं। तो बस इन सारी चीज़ों को डाल के इसे अच्छे से जो है सॉटे करना है। इसके बाद मैं इसमें अदरक ग्रेट कर रही हूँ। अदरक आप स्किप भी कर सकते हैं अगर नहीं पसंद है तो, वैसे इसमें अदरक का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, ठंडियों में अदरक बहुत ही फ़ायदेमंद भी होती है। उसके बाद इसमें मैं डाल दे रही हूँ आलू और गाजर। तो गाजर को मैंने थोड़े लंबे लंबे पीसेस में कट किए हैं और बस इसे अच्छे से मुझे भूनना है। और इसी समय पे मैं इसमें डाल दूँगी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि बाद में मतलब नहीं समझ में आता इसी समय डाल दो तो सब्जियाँ मेरी जो है ना अच्छे से भून गई थी, नमक के साथ में सब्जी अच्छी तरीके से भून जाती हैं। तो बस यहाँ पर भून गया, अब इसे मैं 2 मिनट के लिए ढक दूँगी, बस 2 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से सब्जी पक चुकी हैं। अब इसमें हम डाल देंगे शिमला मिर्च और मेरे पास है मटर। तो शिमला मिर्च भी काफ़ी लोगों को नहीं पसंद होती है, अगर स्किप करना चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। सब्जियाँ अपने चॉइस पर है, आप कुछ भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और लास्ट में मैंने इसमें 2 खड़ी हरी मिर्च डाल दी हैं, ऐसे ही मैंने साबुत डाल दिए हैं और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी, आप देख सकते हैं बहुत ही नाम मात्र है हल्दी और गरम मसाला, मुश्किल से 2 या 3 पिंच है। और बस इसके बाद इसमें मैंने चावल ऐड कर दिया, चावल बहुत अच्छी तरीके से सोख हो चुके हैं और पानी बिल्कुल भी नहीं है इसमें। और इसे अच्छी तरीके से लगभग 2 से 3 मिनट तक इसे हमें भूनना है, फ्लेम को भी मैंने हाई ही रखा है। अब डालते हैं पानी। तो पानी के लिए सेम कटोरी मैंने जो मेज़रमेंट के लिए ली थी, तो जैसे मैंने पहले से भिगो के रखा था चावल आधे घंटे के लिए, इसलिए मैंने 2 कटोरी चावल के साथ 2 कटोरी ही पानी डाला है। अदरवाइज़ आप इसमें जो है आधी कटोरी पानी और डाल दें। तो बस यहाँ पर पानी दे देखे मैंने डाल दिया है और बस अब इसे मैं फ्लेम को मिटाऊंगी और लगभग घड़ी देख कर इसमें मैं 10 से 11 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। और जब 10-11 मिनट हो जाएंगे ना तो बीच में एक बार इसे खोल कर अच्छे से हमें चलाना है। तो यहाँ पर ये देखिए अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब इसे मैं जो है खोल कर एक बार ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर सब अच्छे से करके और इसे अब लास्ट में मैं दम दूंगी। दम देने के लिए फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और लगभग 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। तो ये देखिए चावल हमारे बहुत अच्छी तरीके से खिले खिले से आ गए हैं। तो ऐसे तैयार करती हूँ मैं पुलाव, कुकर में नहीं बनाती हूँ, कढ़ाई में आप भगोने में ऐसे ही बनाइए, बहुत खिले खिले से एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल या शादी के स्टाइल में जैसे शादी में बनते हैं ना वैसे ही खिले खिले से पुलाव बनते हैं। आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में, और देखने में जितने सुंदर है ना ये खाने में भी उतने ही सुंदर है। तो चलिए यहाँ पर मैंने पुलाव बना लिया और ये देखिए यहाँ पर मैंने सब्जी भी बना ली है, आलू मटर की सब्जी बनाई है और बहुत ज़्यादा इसे मैंने जो है नहीं किए कम ग्रेवी वाली सब्जी बनाई है, साथ ही ये देखिए कचौड़ी बनाई है। तो आ जाइए आप भी न्यू ईयर एंजॉय करने। अभी कितने बज रहे हैं? मुझे नहीं पता। 11। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में, 1 घंटे बचे हैं हैप्पी न्यू ईयर लगने में। अब सो जाओ, अगले साल उठना। अगले साल और क्या, अब सो जाओ, सो जाओ, सुबह जल्दी उठना, नया साल है, नहाना है धोना है। तो ये देखिए गाइस वहाँ पे गुनी बैठ के अपना पढ़ रही हैं बाहर रूम में, ये देखिए मुंह बनाकर बैठे हुए हैं, ये किसी बात से नाराज़ थे और नाराज़गी में भी मुंह चल रहे हैं, ये देखिए गुटुर गुटुर खाए जा रहे हैं। तो बस अब यहाँ पर न्यू ईयर लगने में 1 घंटे का समय बाकी है, लेकिन मैं यहाँ पर वीडियो का एंड कर रही हूँ। अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट मॉर्निंग न्यू ईयर के दिन, और मतलब कि ये ब्लॉग तो आपको न्यू ईयर में मिल जाएगा। तो मेरी तरफ से आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएँ, मिलते हैं 1 जनवरी के ब्लॉग के साथ में। बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।